वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। तो भाइयों, जिस डेट का आप इंतजार कर रहे थे चारधाम यात्रा को लेके, वो डेट आ चुकी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है डेट अनाउंस कर दी है, और साथ में ही क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है इस चारधाम यात्रा को करते हुए, इसको हम सार पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सबसे पहले ले जाएंगे केदारनाथ धाम, जहां पर कि आपको केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करवाएंगे, और साथ में जो है जो अदर ट्रैक्स हैं, पंच केदार है या फिर बद्रीनाथ है, चारधाम पे पूरी यात्रा आपको करवाएंगे अपने चैनल के ऊपर, और लेटेस्ट अपडेट देंगे आपको कि क्या स्थिति है अभी चारधाम की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकें। तो दोस्तों, आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी जी ने हैं जो है वो क्या कहा है चारधाम यात्रा को लेके। तो आप देख सकते हैं कि चारधाम यात्रा को लेके जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि उत्तराखंड 18 तारीख से शुरू हो जाएंगी सारी यात्राएं, चाहे वो हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, चाहे वो चारधाम की यात्रा हो। तो 18 तारीख से जो है ये चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, आप सभी जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस यात्रा को कर सकेंगे। साथ में आपको जो है यात्रा करते हुए कोविड के जो है सारे के सारे जो नियम कानून हैं उनको भी फॉलो करना है, उन निर्देशों को, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जो है डिसीजन आया था, और उनका ऑब्जेक्शन भी था कि इसको जो है ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन थी कि इसको आपको ध्यान में रखना है, कोविड प्रोटोकॉल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसके साथ में जो है क्या जो है आपको लेके आना है अपने साथ में चारधाम यात्रा करते हुए या आपके हेमकुंड साहिब यात्रा करते हुए, उसके बारे में लिखा गया, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेके आपको आना ही होगा। साथ में जो है चारधाम जिले और जो जिला है उसके विधि विधायक की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है कोर्ट द्वारा। उन्होंने अहम निर्देश दिए हैं कि 1000 लोगों को बद्रीनाथ धाम में, 800 लोगों को केदारनाथ धाम, 600 लोगों को गंगोत्री और 400 लोगों को यमुनोत्री में जो है दर्शन करने की अनुमति रहेगी। साथ में आपको किसी भी कुंड में जो है वो स्नान करने की अनुमति नहीं रहेगी। उसके बाद चमोली रुद्रप्रयाग जिलों के दौरान जो है जरूरत मुताबिक पुलिस फोर्स को बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट जो है इन तीनों में केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ आते हैं तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इनको कहा गया है कि आपको सुरक्षा जो है वहां पर रखनी है। उसके साथ में जो है मेडिकल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है सरकार को करनी है, और जो है दूसरे कह सकते हैं कि आप इधर उधर थूके नहीं, क्योंकि अगर आपको थूकते हुए किसी पुलिस वाले ने देख लिया या समिति ने देख लिया तो आप पे चालान भी कर सकती है। और आपको स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना चाहिए इन जो है इन यात्रा के दौरान पे, अपनी यात्रा के दौरान स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें, कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं, ये हमारा पर्सनल अनुरोध है आप लोगों से। तो दोस्तों, 18 तारीख से जो है यात्रा खुल जाएगी, मतलब कल से जो है चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा खुल जाएगी, आपको कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही जो है वो यात्रा को करना है। तो दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग से जो है संपर्क कर सकते हैं। वी प्रोवाइड अवर सर्विसेज एट द लोएस्ट कोर्स, लोएस्ट कॉस्ट पे कह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और हम आपको जो है शुभकामनाएं देते हैं आपकी चारधाम यात्रा की। और बी सेफ, डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव, सॉरी डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो यही हम आपसे जो है आशा करते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।